नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना होम टाउन की एक और वीडियो में। और इस वक्त आप सामने देख रहे हैं तारामंडल यानी कि इंदिरा गांधी प्लैनेटोरियम पटना का, और ये रेनोवेट होके तैयार हो रखा है और 10 अप्रैल को इसकी ओपनिंग है। इसका एक्सटर्नल फसाड और इंटरनल फसाड दोनों में काफ़ी एक्सटेंसिव रेनोवेशन का काम हुआ है और इसके अंदर पहले की तरह अभी भी शोज़ चलेंगे। शोज़ की जो प्राइसिंग है वो 80 रुपीज़ है एडल्ट्स के लिए, 6 साल तक के बच्चों के लिए फ्री है और 6 से 18 साल के लोगों के लिए कंसेशनल प्राइसिंग है। स्कूल ग्रुप और अगर आप 20 से ज़्यादा टिकट बुक करते हैं तो अगेन इसमें कंसेशनल प्राइसिंग का ऑप्शन है। तो जैसा कि सामने से आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग बिल्कुल ही मॉडर्न दिख रही है और फसाड पे काफ़ी एक्सटेंसिव काम हुआ है। अंदर का जो प्रोजेक्शन सिस्टम है वो भी बिल्कुल नया लगा है। टिकट घर वहीं है जहाँ पहले हुआ करता था और ये मेन एंट्रेंस है आपके सामने। कैंपस बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये फायर इवैक्यूएशन प्लान में आप नक्शा देख सकते हैं तारामंडल का नया अपडेटेड, जिसके अंदर एक सभागार, एक जलपानगृह और मेन डबल हाइट का एट्रियम है और सेंटर में जो प्लैनेटोरियम का मेन डिस्प्ले है वो है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये सभागार है, ये जनरली प्रदर्शनियों के लिए रेंट पे अवेलेबल होता है या कॉन्फ्रेंसेस के लिए। ये यहाँ की कैंटीन होगी जलपानगृह। तारामंडल के अंदर ही बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का भी ऑफिस है जो कि पॉल्यूशन और वेदर का एडवांस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। तो दोस्तों, ये था बहुत ही छोटा सा ओवरव्यू नए प्लैनेटोरियम का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहे अपने होम टाउन चैनल पे, और डेली अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम हैंडल अपना.hometown से भी जुड़े। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय फ्रॉम अपना होम टाउन।